बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन अमित राणा रतिया पहुंचे, जहां बार एसोसिएशन के वकीलों ने अमित राणा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अमित राणा ने वकीलों की समस्याएं सुनी और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। पत्रकारों से बात करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन अमित राणा ने कहा कि वकीलों की हर समस्या का समाधान करवाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि वकीलों से संबंधित हर समस्या का वो समाधान करवाएंगे, भले ही वो चैम्बरों का मामला हो या फिर कोई और। साथ ही अमित राणा ने वकीलों से आग्रह किया कि उनके जो आपसी मतभेद के मुद्दे हैं उन्हें वो वहीं बैठकर सुलझाएं, उन्हें बार काउंसिल में ना भेजें। काफी स्टेट्स में मेरे को जाने का मौका मिला, हरियाणा और पंजाब स्टेट से प्रॉस्परस स्टेट में भी, इन टर्म्स ऑफ चेंबर्स, इन टर्म्स ऑफ कोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ एडवोकेट्स। हमारे यहाँ चेंबर्स की, एटलीस्ट चेंबर्स तो हैं, समस्या तो सॉल्व हो सकती है। दो चैम्बर, चार चैम्बर, आठ चैम्बर और एक आधा फ्लोर लेके बनाया जा सकता है। आप ये देखिए, उन स्टेट्स में आज भी छप्पर के नीचे बैठे हैं और या स्कूटर पे छतरी लगा के वकील बैठे हैं, वहाँ चैम्बर नाम का सी भी नहीं है। सो जो समस्या कुछ छोटी मोटी रह गई, मैं बिल्कुल बार से ये रिक्वेस्ट करूँगा, बार मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा, उसको भी जितनी जल्दी हमारे संज्ञान में लाया जाएगा हम उसको उतनी जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट इज़ अंडर द कमेटी ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है, हम उनसे बात करेंगे। हाई कोर्ट ने इतने बढ़िया चैम्बर्स, और उनका तो स्पीड से काम होता है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस साहब साहिबान हैं, ऑनरेबल जजेस, वो तो मतलब आप उनके संज्ञान में लाइए और एकदम से उस पर एक्शन स्टार्ट होना है। सो चैम्बर्स की हमारे हरियाणा पंजाब में एटलीस्ट मुझे लगता है कोई ज़्यादा इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जो गंभीर समस्या कहा गई है। जो रह रही है वो पूरी होगी जल्दी, 100% फ्लोर्स हैं, चार फ्लोर है, दो ही बने, ऊपर तीसरा फ्लोर इसकी परमिशन है, आप तीसरे पे बनाए, चौथे पे बनाए, आप परमिशन लेना। गौरतलब है कि पिछले 5 साल से अमित राणा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन हैं और अब पिछले दिनों हुए चुनावों में अमित राणा लगातार दूसरी बार मेंबर पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल चुने गए हैं। हिंद एक्सप्रेस के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट।